टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। आतिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीएम को झूठे आरोपों में जेल में रखा गया है। हरियाणा में हुए बस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। दिल्ली में तमाम जरूरतमंद महिलाओं को सरकार की तरफ से पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में विधवा और तलाकशुदा आदि महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती ने आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरोवा और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम राजभर को उतारा है। मध्य प्रदेश के धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक टीम सर्वेक्षण के लिए धार में भोजशाला परिसर पहुंची। ASI ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली को संबोधित करेंगे। शाम को दौसा में पीएम मोदी का रोड शो होगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी, CBI और आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा सीट से निवर्तमान सांसद के लिए चुनाव से पहले असहज स्थिति पैदा हो गई है। उनकी बहू ने उन पर प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र की माढ़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान धैर्यशील पाटिल को खासा पसंद नहीं आया। इस बात से नाराज पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र में नासिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर NCP और BJP अपना अपना दावा करी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबळ ने दावा करते हुए कहा है कि शरद पवार ने NDA में आने की कोशिश की थी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर कैंडिडेट का ऐलान किया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में घोषित उम्मीदवार को मुंबई साउथ सेंट्रल से उतारा है। कांग्रेस नेताओं ने संदेह जताया है कि नाना पटोली की कार का एक्सीडेंट साजिश भी हो सकती है, कोई उन्हें माना जाता है। इस पर चुनाव आयोग से जांच की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी यानी MPA में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सांगली के कांग्रेस के नाराज नेता विशाल पाटिल ने बहुजन वंचित आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या से ठगी करने वाले आरोपी को मुंबई की इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी EOW ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पांड्या ब्रदर्स का सौतेला भाई वैभवी है। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली नकली शिवसेना है, शरद पवार की अगुवाई वाली नकली NCP है और आधी बची कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऑटो रिक्शा है जिसके 3 पहिए हैं, लेकिन स्पीड गवर्नर एम्बेसडर का, गियर बॉक्स फिएट का और बाकी इंजन मर्सिडीज का है और इस ऑटो रिक्शा की कोई दिशा नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग में उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने मुसीबत यह है कि इस सीट के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। भारतीय हेक्साकॉम के शेयर आज BSE और NSE पर शानदार प्रीमियम के साथ लिस्ट हो गए हैं और निवेशकों को बंपर कमाई कराने में सफल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार की चाल आज धीमी है और बाजार की सुस्त शुरुआत हुई है। PSU बैंक इंडेक्स गिरावट पर है और इसके चलते बैंक शेयरों में कमजोरी देखी जा रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं। ईद के दिन यानी 11 अप्रैल 2024 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। ये एक मसाला बॉलीवुड फिल्म है और फिलहाल इस फिल्म को अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।